बात करने वाले हैं अगरतला राजधानी के न्यूज़ के बारे में, जो अभी बहुत पॉपुलर, अभी मतलब फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रिसेंटली ट्रेंड कर रहा है कि अगरतला राजधानी जो है वो अपने नए रूट होकर, यानी इसका नया रूट जो मुंगेर जमालपुर क्यूल होते हुए नई दिल्ली की तरफ जाएगी। ये अभी ये न्यूज़ बहुत सारे पेपरों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में ये अभी चल रहा है कि अगरतला राजधानी का रूट डाइवर्ट कर दिया गया, अभी ये मुंगेर जमालपुर और क्यूल पटना होते हुए नई दिल्ली की तरफ जाएगी। लेकिन क्या ये न्यूज़ सही है? और इस नए न्यूज़ के अनुसार ये है कि जो अगरतला से नई दिल्ली वाली राजधानी एक्सप्रेस है उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया और नए समय सारणी के बाद इसका रूट चेंज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जिसमें अगरतला राजधानी के डाइवर्जन का बात कही गई है। आप देख सकते हैं इसमें मुंगेर जमालपुर क्यूल मेंशन और इसमें टाइम टेबल भी मेंशन किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको जो जाननी चाहिए, ये 10 जून 2020 का ये जो प्रपोजल था ये तब का है, लेकिन अब अगरतला नई दिल्ली राजधानी का नया टाइम टेबल आ चुका है। 7 दिसंबर को रेलवे ने इसका नया टाइम टेबल जारी किया जिसमें कहीं भी मुंगेर जमालपुर क्यूल पटना होते हुए इसका रूट नहीं दिखाया गया है। यानी अभी फ़िलहाल लग सकता है कि योग नगरी मुंगेर को और साहिबगंज लूप के जो पहली राजधानी मिलने जा रही थी उसको और इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। अब बात करें कि नई दिल्ली राजधानी की अगर जो नई डाइवर्जन रूट का जो चूज़ किया गया था वो मुंगेर जमालपुर क्यूल था, ना कि भागलपुर होकर। आपको बता दें साहिबगंज लूप में भागलपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, ना ही सिर्फ पूर्व बिहार के लिए बल्कि रेलवे के लिए भी ये बहुत ही कमाऊ स्टेशन है। लेकिन जब राजधानी की बात आई तो इससे भागलपुर को वंचित रखा गया है अभी तक। और इस यहाँ से सिर्फ राजधानी नहीं, कई सारी ट्रेनों की चलाने के भी न्यूज़ आपने देखा होगा कि रेलवे हर बार बहुत सारी ट्रेनें भागलपुर से चलाने की बात करता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। फिलहाल जो अगरतला राजधानी की न्यूज़ है उसको यहाँ पर आप पूरी तरह से सही नहीं मान सकते, क्योंकि नए समय सारणी में कहीं भी नए रूट का जिक्र नहीं किया गया। तो इसे अभी फ़िलहाल आप तो इसका इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन हर साल की तरह राजधानी चलने की बात होती है भागलपुर से, लेकिन भागलपुर के वासियों को वंचित किया जाता है। कुछ दिन पहले ही भागलपुर के सांसद ने भी कहा था कि नए साल में भागलपुर को राजधानी का तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। आपको बता दें इससे पहले भी बहुत बार भागलपुर से राजधानी एक्सप्रेस चलाने की मांग की गई है, जिसमें कई बार ये न्यूज़ आए कि सियालदह नई दिल्ली राजधानी, तो कभी डिब्रूगढ़ राजधानी, तो कभी हावड़ा राजधानी भागलपुर होकर चलेगी। उसके बाद हमसफ़र का न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता रहा, लोगों को लगता रहा कि भागलपुर से अब हमसफ़र एक्सप्रेस का सफ़र करने मिलेगा। उसके बाद तेजस की बारी आई और तेजस में भी लोगों ने कहा कि अब भागलपुर से दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी, लेकिन इनमें से एक भी ट्रेन भागलपुर होकर या भागलपुर से नहीं चलाएगी। फिलहाल इसका कारण कुछ और नहीं, भागलपुर जिस साहिबगंज लूप में पड़ता है वहाँ से नई दिल्ली तक जाने के लिए जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पड़ती है अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे रूट के कंपैरिजन में। आपको अगर बताएं हावड़ा राजधानी जो अभी फ़िलहाल धनबाद गया होकर चलती है उसमें सिर्फ 17 घंटे 10 मिनट लेती है 1449 किलोमीटर को कवर करने के लिए। इसी तरह सियालदह राजधानी भी सेम रूट से 17 घंटे 45 मिनट लेती है 1458 किलोमीटर को कवर करने के लिए। इससे ज़्यादा तो विक्रमशिला लेती है भागलपुर से नई दिल्ली, यानी डिस्टेंस भी कम लेकिन ज़्यादा। अगर हावड़ा राजधानी की पटना होकर बात करें तो ये 20 घंटे लेती है 1530 किलोमीटर कवर करने के लिए। यानी आप देख सकते हैं कि जो निर्धारित रूट अभी सभी ट्रेनों का है उसमें दूरी के हिसाब से समय सारणी कम है, लेकिन अगर ये दोनों राजधानी भागलपुर होकर चलाई जाए तो लगभग 24 घंटे का समय लगेगा और लगभग इसकी दूरी 1620 किलोमीटर होगी। यानी यहाँ हावड़ा या नई सियालदह राजधानी को भी 24 घंटे का समय लग सकता है। ना सिर्फ ये दोनों राजधानी, भागलपुर से डिब्रूगढ़ राजधानी की भी बात की गई थी, तो मुजफ्फरपुर होकर चलने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी 42 घंटे, पटना वाली 38 और पाटलिपुत्र वाली 40 घंटे का समय लेती है। लेकिन देखना होगा कि अगर भागलपुर से राजधानी चलती है तो कौन होगी और कितना समय लेगी।